हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक के बारे में। वो स्टॉक का चार्ट पढ़ेंगे, स्टॉक में कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में। अभी वन डे कैंडल इस चार्ट में शो हो रहा है, वन डे कैंडल रखा है, क्योंकि वन डे कैंडल में हम लॉन्ग टर्म व्यू में चलेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू यानी आपको होल्डिंग करके कोई भी स्टॉक को आगे टारगेट तक पहुंचाने के लिए लॉन्ग टर्म व्यू हम इस वीडियो में बताएंगे कहां से आपको एंट्री करना है। तो ये वन डे कैंडल चार्ट है। वन डे कैंडल में आप देख पा रहे हैं 1714 में अभी क्लोजिंग दिया है, यानी इस प्राइस में अभी क्लोजिंग दिया है। और एक रेड कैंडल यानी लगातार 4, 7, 10, 11 दिन का मूवमेंट के बाद अभी एक ब्रेकआउट दिया, यानी अभी थोड़ा बेयरिश कैंडल बना है। आपको ध्यान देना है, अभी दूसरा बेयरिश कैंडल अगर बनता है तो फिर नेगेटिव साइन मिलेगा। यानी आपको 1600 तक मुझे यही लग रहा है कि करेक्शन आने वाला है, कि इतना बड़ा मूवमेंट के बाद थोड़ा करेक्शन देगा। कि यहाँ पीछे का हम देखा जाए तो वो सेम इसी तरह हुआ है, 1600 से लेकर 1400, 200-300 पॉइंट गिरावट हुआ। अगर यहीं से अगर गिरावट होगा तो कम से कम ये तो 1500 तक आराम से ये टॉस हो जाएगा अगर गिरावट हुआ। अगर आपको एंट्री कहाँ करना है, अगर गिरावट में तो एंट्री नहीं करना है, तो आपको इंतज़ार करना है। क्योंकि जब स्टॉक अगर मूवमेंट करता है, 1800 अगर ब्रेकआउट होता है, तभी आपको एंट्री पॉइंट ढूंढना है। क्योंकि वहां पर आपको एक और एक ट्रेंड देखने को मिलेगा 1800 के ऊपर। बट अभी तक मुझे नहीं लग रहा है ये अभी रिसेंट और दोबारा मूवमेंट करेगा, क्योंकि पीछे का चार्ट देखा जाए तो इसी तरह और बुलिश ट्रेंड के बाद एक बेरिश ट्रेंड बना है, और बुलिश के बाद फिर दोबारा बेरिस आने वाला है। तो बेरिस आने वाला है यानी आपको अगर 1500 से 1550 के बीच में अगर प्राइस मिल जाए, अगर 1500 अगर टच हो जाएगा तो बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट है ये। 1500 से टच करके होल्डिंग करके रखिए, कम से कम 2000 यानी 500 पॉइंट प्लस मोमेंट के लिए आप होल्डिंग करके रखिए। आपको पहले आपको ये ध्यान देना है, करेक्शन कम्प्लीट होने के बाद, मुझे लग रहा है यहाँ से गिरावट होने के बाद 1500 से 1600 इसी बीच रेंज के तक आ सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से थोड़ा नीचे आ सकता है, बट उससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ छोटा करके देखा जाए तो ये एक ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, एक बढ़िया बुलिश ट्रेंड में है। और यहाँ से अगर करेक्शन देता है तो कम से कम 1500 आपको मान के चलिए सबसे बढ़िया सपोर्ट जोन में 1500 में है। 1500 में एंट्री करिए और टारगेट बड़ा है, 2000 तक टारगेट आराम से अचीव कर सकता है। ये रहा अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस में हम अगर फंडामेंटल पढ़ेंगे तो वो और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। फंडामेंटल कुछ नहीं है, आपको जब स्टॉक बहुत बढ़िया रेंज में है, स्टॉक का चार्ट बहुत बढ़िया है, तो आप यहाँ से अच्छी तरह एंट्री करिए। किंतु हड़बड़ी में एंट्री मत करिए, ऊपर से एंट्री मत करिए। आपको इंतज़ार करना है कहाँ से आपको एंट्री करना है, उसी रेंज में एंट्री करिए। 1600 से 1500 बीच में एंट्री करिए, वो बढ़िया जोन है। किंतु 1600 नहीं होकर अगर 1500 से आसपास में एंट्री करिए तो और बढ़िया चेंज है। तो आपको कम से कम जितना नीचे से आपको एंट्री करेंगे उतना प्रॉफिट होगा ऊपर से। तो यही है अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक। इस वीडियो में किस तरह लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।